बांदा से खबर। जनपद के सीमा में कालिंदी तट पर विराजमान मां कालका देवी के मंदिर परिसर में मकर संक्रांति के अवसर पर ग्राम पंचायत बेंदा के प्रधान श्रीमती हेमा सिंह, पूर्व प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि विवेक सिंह के तत्वाधान में विराट दंगल प्रतियोगिता मेला का आयोजन किया गया, जिसमें बेंदा की धरती पर बुंदेली पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। मंगलवार को आयोजित कुश्ती दंगल में एटा के अरुण ने विकास दिल्ली को पटकनी देकर जीत दर्ज की। नीतू एटा धनंजय याजमगढ़ की कुश्ती बराबर में, छोटी नंदू मुंगुश नकुल की कुश्ती भी बराबर रही। सत्यदेव मू को बेंदा मोन ने पराजित किया। कोमल सिंह टिटिहरा राम मूरत मरका हाजिर अतरा सत्यवीर सिंह अभिमय बेंदा सभाजीत लोहारी इन्नौ दिल्ली विष्णु एटा महेंद्र मथुरा संजय बनारस ने कुश्ती के दांव पेच का दम दिखाकर दर्शकों को खूब गुदगुदाया। विवेक सिंह ने दंगल प्रतियोगिता में आए पहलवानों को सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व सांसद विजय बहादुर सिंह, दलपत सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक किटपीट सिंह, रमेश चंद पांडे प्रधान, ज्ञान सिंह, सानू सिंह, राजू सिंह फौजी, रामकरण यादव, पुष्पेंद्र कुमार जंग बहादुर प्रधान, विनय कुमार तिवारी, साजन सिंह प्रधान, माचा प्रधान, अमिल कौर, दशरथ सिंह राजाराम, रामभुवन प्रधान, महुए मलखे श्रीवास, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि वरुण यादव, बीएसपी नेता राहुल सिंह, अंकित, सचिव अर्जुन सिंह, सचिव प्रदीप राणा, सचिव ललित कुमार, सचिव आनंद कुमार शर्मा, एडीओ राम कुमार वर्मा आदि मौजूद रहे। दर्शकों ने मां कालका के दर्शन कर प्रसाद चढ़ाया और आत्मिक सुख की अनुभूति महसूस की। रिपोर्ट ब्रजेश अवस्थी, संजय। और समझे जब तक मीडिया का रहा तब तक कोई नहीं जाएगा। मुझे फिर से याद आ गया, हम लोग जो बेंदा का दंगल है वो एक इतिहास और बुंदेलखंड की गरिमा को गा रहा है, और हम सियासती दंगल के खिलाड़ी थे तो एक सियासत और एक संगम है, इसे हमें बहुत पसंद था। लेकिन मैं विवेक सिंह ने जब हमसे कहा, मैं दिल्ली में था, कल हवाई जहाज से यहां आया और हमने कहा कि ये चाहे जो हो जाए इस दंगल को अवश्य है, परंतु हमको महोबा में एक तेरही में 2-3 बजे शामिल होना है, तो कहीं यहां लेट हो गए तो कहां कैसे होगा। इसलिए मुझे बहुत अच्छा आनंद लगा और इतनी तेज कुश्ती एक लोग लड़े थे कि बहुत मजा आया, और मैं चाहता हूं कि इस दंगल की दिन प्रतिदिन तरक्की हो। इसी आस्था और विश्वास से मैं एक बार पुनः आपसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे ज्यादा बैठने का या सब लोग आए, सब लोग पूरा मेरा नमस्कार और पूरा उस आस्था से मैं आपसे विदा।